तो ज्यादा घबराना नहीं है। और मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप अपने बस मशीन में पिस ही जाना है, अपना तेल ही निकलवा लो। नमस्कार सारे भाइयों को, मैं विक्की खत्री भाई करता हूं आपका बहुत स्वागत हर रोज की तरह आज भी एक नए व्लॉग में अपने चैनल एबी कैब वाला में। तो भाई आज क्या अभी कई दिनों से ही ठीक ठाक काम चल रहा है, रेट में भी कुछ इजाफा है। ये 4-5 स्क्रीनशॉट में आज के आपको लगा रहा हूँ अपने, जिस जो कि मैंने बुकिंग करी है ओला और उबर दोनों में ही, तो इनमें थोड़ा हाँ रेट का भी ठीक ठाक मेरे को लग गया। बाकी आप लोगों ने जो रेट मिल रहे हैं और मेरे को भी जो पीछे रेट मिल रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा समस्याएँ चल रही थी। तो भाई जो आज का वीडियो है बड़ा ही अच्छा शायद साबित हो सकता है ड्राइवर भाइयों ताई और काम के लिए है, जो भी हम काम करते हैं उसी के बारे में एक फॉर्मल बातचीत है। तो भाई काम अभी स्टार्ट हो गए हैं, ये भली बातें सारे ड्राइवर भाइयों को पता है, क्योंकि जो ट्रैफिक रोडों पे हो रहा है उससे तो सिर्फ यही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं काम की अब कोई समस्या है नहीं। और काम की समस्या नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थोड़ी बहुत देर जाके काम करके आ जाना है, पर काम अब खींचना है ये ध्यान रखना, क्योंकि खाली तो बैठ के बहुत देख लिया पिछले 4 महीने से, खाली बैठे थे भाई एकदम, ना रेट था ना काम था। और काम भी कितनी कार को मिले, लाखों गाड़ियां दिल्ली में जो आउट स्टेशन के काम बाहर बंद रहते हैं वहाँ की गाड़ियाँ भी दिल्ली में लोकल काम करण लाग जाए। हाँ भाई, इस वजह से काम कम हो जाता है और बारिश के सीज़न में पहाड़ों का सारा काम ख़त्म हो गया है, इस वजह से काम ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है, अब नवंबर स्टार्ट होने वाला है, दिवाली का फेस्टिवल बहुत बड़ा, और अभी तो दिवाली की शॉपिंग खतरनाक लेवल की चल रही है, और उसके बाद फिर शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर से। तो काम दिन रात 24 घंटे अब होने वाला है, बढ़िया रेट मिलने वाले हैं और कोई समस्या नहीं रहेगी, यहाँ तक कि आपके पास जो खुद का काम है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। तो अभी थोड़ा सा ये संभलना है इसमें, जो आपके पैसेंजर हैं पुराने पैसेंजर उनसे एक तो भाई नाजायज़ पैसा नहीं मांगना है, भाई अब तो मेरे पास काम की कमी है ही नहीं तो अब तो मैं अपने रेट लूँगा मन मर्जी के। एक आपके फिक्स रेट रहने चाहिए, काम कम हो या ज़्यादा हो। रेटों के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ भैया थे, वैगनार 10 रुपये किलोमीटर भी आप चलाओगे और 12 भी चलाओगे, दोनों तरह का रेट है। डिजायर 12 और 14, अर्टिगा 14 से 16 के बीच में ये रेट हैं। आप अपने ये रेट रखोगे पैसेंजर से हमेशा, जैसे जैसे बढ़ेंगे वो तो भाई बढ़ेंगे ही, तो पैसेंजर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। अगर उसको अभी काम नहीं है तो आप 12 रुपये में गाड़ी दे दो अर्टिगा, 10 रुपये में डिजायर दे दो, 9 रुपये में वैगनार दे दो, और जब सीजन आ जाएगा ना, जब गाड़ियों की डिमांड एक्स्ट्रा हो जाएगी तो पैसेंजर के दिमाग में वही रेट रहेगा जो आपने उसको दिया था, तो अभी आप 2 रुपये भी बढ़ा दोगे वो तुरंत ही दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो अपने पर्सनल पैसेंजर हैं उन पर तो भाई सेम रेट रखना है, जो अलग से पैसेंजर बनेंगे उनसे आप 1-2 रुपया ऊपर नीचे करके ले सको भाई। और भाई जिन भाइयों के पास अपना पर्सनल काम नहीं है, अभी नए नए जुड़े हैं इस काम में, हमें दुविधा में रहते हैं भाई हमारा तो कोई पैसेंजर ही नहीं, तो उनको भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव सब में बढ़िया काम होने वाला है। और इस मौके पर एक फ़ायदा और आपने उठाना है, कल यानी कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस दिन 28 तारीख है, उस दिन से सभी कंपनियों का ओला उबर रैपिडो इंसेंटिव स्कीम लॉन्च हो गई है। रैपिडो 5,000 रुपये तक दे रहा है, ओला तो कई दिन से ठीक ठाक इंसेंटिव दे ही रहा है, उबर में भी इंसेंटिव है। उबर में 2-3 तरह के रहते हैं, एक चैलेंजिंग जोन का रहता है, एक नॉर्मल आपका इंसेंटिव रहता है। चैलेंजिंग जोन आपका एयरपोर्ट से पिकअप करने पर होता है, और जो नॉर्मल इंसेंटिव होता है वो तो सबके ऊपर लागू ही रहता है। इसमें इंसेंटिव में एक थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई, टर्म एंड कंडीशन रहती है, पी कार्स में भी आपको कुछ बुकिंग करनी होती है तभी आप एलिजिबल रहते हो,
तो अभी काम की कार्रवाई बढ़ा देनी है, बढ़िया काम चलेगा अभी, ये मान के चलो अभी कंटिन्यू 8 महीने तक काम चलने वाला है। बीच में इसमें थोड़ा बहुत डाउन मारेगा जब बच्चों के एग्जाम वगैरह चलेंगे, मगर अभी नवंबर दिसंबर और जनवरी ताबड़तोड़ काम जबरदस्त, शादियों के बाद फिर बर्फबारी के लिए शिमला मनाली, उसके बाद फिर फेस्टिवल इतने हैं, संक्रांत है, लोहड़ी है, 26 जनवरी है, यानी कि खतरनाक लेवल का काम ही रहने वाला है। जिस ड्राइवर भाई ने इस वाले सीजन में गाड़ी ले ली है ना, ये जो अभी स्टार्ट होया है, उसको समस्या आती है जब वो काम डाउन रहेगा, जो कि अभी पीछे लास्ट जो पीछे समय गया है वो परेशान हो जाता है, यार बर्बाद हो गए हैं, फंस गए हैं, मर गए हैं, काम ही नहीं है। भाई ये हर साल आता है जो इतना होपलेस हो जाते हैं ना। अब जिन भाइयों ने ये सीजन झेल लिया, ये वाला चला गया जिनका, तो उनको अब अगले साल कोई इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि उनको पता है कि ये डाउन रहता है। मगर जो अभी गाड़ी ले रहे हैं नवंबर दिसंबर में जिनकी गाड़ी आएंगी अभी, तो ये बिल्कुल एकदम हवा हवाई रहने वाला है मामला, मगर फिर वो जब डाउन मारे हैं तो समस्या हो जाए। तो ये समय अपने आप सब कुछ सिखा देता है, टाइम अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विद्यालय है, महाविद्यालय है, समय से बड़ा कुछ नहीं है सिखाने के लिए। हम और आप तो सिर्फ एक नॉर्मल बातें कर सकते हैं, तो समय सिखा रहा है। अब बहुत सारे भाइयों ने सीख लिया है, और अभी जो अभी नए नए भाई आएंगे वो सीख लेंगे। तो भाई ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, अब काम स्टार्ट हो गया है, काम खींचो। दो रूल हैं, गोल्डन रूल हैं, जो मैं तो भाई फॉलो करता हूँ, आप भाई फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा भाई, ना तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो दो रूल कौन से हैं, जब काम नहीं है, जब काम मंदा है, उस टाइम पे तो करनी है बहुत मेहनत, और भाई जब सीजन आ जाता है, जैसे कि ये सीजन आ गया है, अब करनी है डबल मेहनत। फुर्सत इस काम में बिल्कुल भी नहीं है, जब काम नहीं है तो बहुत मेहनत, और जब काम स्टार्ट हो गया है तो डबल मेहनत, ताकि भाई जब काम मंदा आएगा ना, तो डबल की हुई मेहनत उस टाइम पे काम आएगी, तब जाके लेवल बनेगा। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, और मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप अपने बस मशीन में पिसी जाना है, अपना तेल ही निकलवा लो, ऐसा कुछ नहीं है, मौज मस्ती में काम करते रहना है, बढ़िया काम हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, आजकल क्या मैं तो मोस्टली ये रूल फॉलो करता हूँ, 200 से कम की भाई बुकिंग उठानी नहीं है, बजती रहेगी, और बहुत भाई से जानता ही, और हमने कौन सा उनसे एग्रीमेंट कर लिया है कि ये तो बंदा लेके ही जाना है 100 रुपये में, 150 में, 170 में, 200 रुपये से कम की बुकिंग लेनी नहीं है। फुर्सत में एकदम खाली सा रह के बढ़िया काम आपका हो जाना है 12 से 14 घंटे में, ये इतना समय तो भाई देना पड़ेगा। और बाकी छोटी बुकिंग भी ली जा सकती हैं, कोई ये नहीं कि भाई वो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। सबसे पहले तो जब आप गो होम की तरफ जा रहे हैं तो आप ले सकते हो, और जब आप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे आपको बुकिंग मिल जाए, 100 मीटर 200 मीटर पे आपका पिकअप है, तो आप 100-130 रुपये की बुकिंग भी कर सको, क्योंकि भाई उसमें आपने पिकअप के लिए नहीं जाना पड़ा है, बस जहाँ ड्रॉप किया था वहीं से पिकअप आ गया है और दूसरी जगह छोड़ दिया है, तो उन दो बुकिंग को एक बुकिंग मान के आप उसको निपटा सको। मगर अगर थोड़ा सा ये कर लो चेंज, अगर कर सको तो 200 रुपये से कम की बुकिंग लेनी ही नहीं है, मैं ये रूल अपनाता हूँ। और बाकी ये जो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इसमें देख लो भाई, 200 रुपये से कम की कोई बुकिंग मैंने उठाई नहीं, और एक उठाई भी है वो दिखा रहा हूँ, वो एक मैंने उठाई भी है क्योंकि उसका ड्रॉप सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर का था, वो इस वजह से उठाई थी, उसमें भी 150 तो मेरे को मिले थे। तो चलो भाई एंड कर रहा हूँ, आज ये एक फॉर्मल नॉर्मल सा वीडियो था, कोई तड़क भड़क नहीं थी, मगर फिर भी उम्मीद है कि भैया ना अच्छा लग गया होगा। लाइक शेयर कमेंट, और ज़रूर अपनी राय दो कैसे काम करना है, कैसे काम कर रहे हो, और कितना रेट आप लोगों ने थोड़ा बहुत इजाफा दिखा कि ना दिखा, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। सारे भैया ना भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।
हैं।